प्रदेश में भाजयुमो की ओर से आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सोलन में भी आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और अब सरकार के सामने याचना नहीं आर पार की लड़ाई होगी। में उफान है, महिलाओं में उफान है और ये रोष इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। भ्रष्टाचारी सरकार, निकम्मी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, बेरोजगार विरोधी सरकार। सरकार पूरी तरह से अपने काम को करने में फेल हुई है, बुरी तरह से फेल हुई है, इसलिए यहाँ जंगल राज चल रहा है। ज्वालामुखी मंदिर में पूर्व राज्य